हेलो एवरीवन वन आई एम सार्थक पी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस आज हम स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है हमारा उसके एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि स्टेज वन में पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है इसमें गिवन है कि इफ़ द मीडियन ऑफ एक्स बाय सेवन एक्स बाय फाइव एक्स बाय सिक्स एक्स एक्स बाय फोर एक्स थ्री एक्स टू इज एट देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज अब इस डेटा का मीडियन एट दिया हुआ है तो मीडियन क्या होता था मिडल वैल्यू है ना या मिडल टर्म कह लो अगर डेटा किसी एक ऑर्डर में अरेंज है या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग है ना तो इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं मान लेते हैं एक्स की कोई एक पॉजिटिव वैल्यू होगी जैसा कि ऑप्शन से दिख ही है ठीक है तो इस हिसाब से हम इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा सबसे छोटा नंबर जो कि होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे छोटा x बाई सेवन फिर x बाई स फिर x बाई फाइव फिर x बाई फोर x बाई थ्री x बाई टू एंड x. ठीक है इस तरीके से अरेंज हो गया कितने नंबर्स हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मीडियन कौन सा टर्म होता है मीडियन होता है एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म ठीक है ये वाला टर्म ही मीडियन होता है ठीक तो है तो यानी कि सेवन है तो सेवन प्लस वन एट बाय टू फोर्थ टर्म जो होगा वो मीडियन है ठीक है फोर्थ टर्म वन टू थ्री फोर ये मीडियन है ठीक है तो एक्स बाय फोर जो है वो क्या है मीडियन और मीडियन तो हमें क्वेश्चन में कितना आगे बन था एट तो x की वैल्यू क्या आ गई फोर इंटू एट दट इज थर्टी टू ठीक है तो ये ऑप्शन C में हमें मिल जाएगा क्लियर है नेक्स्ट पे चले देखो सर नेक्स्ट है द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 525 एंड 500 है ना हमें मीडियन दिया हुआ है कितना 525 और मोड़ दिया हुआ है 500 हमें आगे कह रहा है देन द मीन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज है ना अब मीन बताना है हमें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसे हम इंपेरिकल फार्मूला बोलते थे है ना जिसमें मीन मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन था तो वो फॉर्मूला क्या था वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वो है मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन है ना ये फॉर्मूला है इंपेरिकल फार्मूला जो कि मीन मोड और मीडियन के बीच का रिलेशन यहां बताता है तो वैल्यूज पुट कर लो ठीक है फाइव ट्वेंटी फाइव जो कि क्या है मीडियन है थ्री इंटू फाइव टू फाइव माइनस ये मीन तो हमें फाइंड ही करना है और मोड कितना है फाइव हंड्रेड है ना तो अब देखो यहां से ये कितना हो गया टू मीन को उधर भेज दो दिस विल बी इक्वल टू थ्री इंटू दिस थ्री फाइव हंड्रेड इंटू थ्री फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव माइनस फाइव हंड्रेड तो ये कितना आ गया ये आ गया वन जीरो सेवन फाइव ठीक है क्लियर है 1575 में से 500 हंड्रेड सब्ट्रैक कर दिया तो मीन कितना आ गया दिस डिवाइडेड बाई टू सॉल्व कर लो ये आ गया फाइव और फाइव ये टू थ्री जा सिक्स टू सेवन जा फोर्टीन बचा है ना पॉइंट और ये वन वन ज़ीरो टू फाइव जा टेन फाइव थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ये हो गया मीन है ना जो कि ऑप्शन डी में हमें मिल जाएगा क्लियर है नेक्स्ट पे चले देखो जरा कह रहा है इफ द मीन ऑफ एक्स एंड वन बाय एक्स इज एम है ना देन द मीन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वन बाय एक्स स्क्वायर इज मीन का फॉर्मूला आप जानते हो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना तो यहां पर दो ही तो ऑब्जर्वेशन है तो मीन होगा सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज टू दैट इज इक्वल टू मीन और मीन यहां पर एम दिया हुआ था तो यहाँ से x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू इन टू एम ठीक है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है ना क्योंकि इन दोनों का मीन चाहिए तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू ये चाहिए हमें है ना यही मीन होगा तो अब एक्स प्लस वन बाय एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पे कैसे पहुंचे इसका स्क्वायर करके तो इसका स्क्वायर कर दो ठीक है क्या आएगा इसका स्क्वायर करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना और दूसरी तरफ हो जाएगा टू एम का स्क्वायर दैट इज फोर एम स्क्वायर सही है अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर माइनस टू ठीक है अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लो ये आपका आंसर आ जाएगा फोर एम स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू तो टू से डिवाइड करोगे तो ये हो गया टू एम स्क्वायर और ये हो गया वन तो टू एम स्क्वायर माइनस वन ये हमारा एक्स स्क्वायर और वन बाय एक्स स्क्वायर का मीन हो जाएगा सही है जो कि हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है सी में सही है नेक्स्ट पे चले देखो जरा फोर्थ में क्या कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ स्कोरस इज एक्स बार है ना कुछ नंबर्स हैं उनका मीन एक्स बार है ठीक है इफ़ ईच स्कोर इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय अल्फा और अल्फा कोई एक नंबर है जो कि ज़ीरो नहीं है ठीक है देन इंक्रीज बाय टेन द मीन ऑफ द न्यू स्कोर इज है ना जो नया स्कोर है उसका मीन क्या होगा ठीक है अब देखो कोई भी डेटा है अपने पास लेट से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इसी तरह कुछ मान लेते हैं एन नंबर्स है ठीक है इन सब का मीन कितना है एक्स बार है अब अगर मैं इन सभी को अल्फा से डिवाइड कर दूं ठीक है इन सभी को मैं अल्फा से डिवाइड कर दूं तो जो मीन होगा ना वो भी अल्फा से डिवाइड हो जाएगा क्यों क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है इन सब का सम n क्योंकि जो है वो तो कॉमन आ जाएगा तो ऊपर तो वही सेम चीज बचेगी ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपू एक्स एन इन सबका उसकी वैल्यू तो एक्स बार ही है तो वन बाय अल्फा बाहर होगा और एक्स बार अंदर होगा तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अगर सभी टर्म्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया है मल्टीप्लाई किया है तो मीन जो है वो भी या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड किया होगा तो डिवाइड हो जाएगा ठीक है इसी तरह अगर इसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करोगे सभी में सभी ऑब्जर्वेशन में तो मीन में भी वो नंबर ऐड हो जाएगा और बाद में वो कह भी रहा है कि उसने क्या किया है इंक्रीज किया है टेन से हर एक ऑब्जर्वेशन को है ना इन सबको टेन से इंक्रीज किया तो नया मीन जो है वो भी टेन इंक्रीज हो जाएगा ठीक है इसको सॉल्व कर लो यही अपना नया मीन होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा है ना एलसीएम लेने के बाद इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा क्लियर है तो ये ऑप्शन एक्स बार प्लस टेन अल्फा अपॉन अल्फा है ना ये सही हो जाएगा सही है आगे बढ़े देखो जरा क्या कह रहा है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास इन दोनों क्लासेस के लोअर लिमिट्स का सम बताना है तो इसके लिए पहले इसको ग्रुप uh, टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना? तो to 10, 10 to 15, 20, है ना तो ग्रुप टेबल में देखो फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव है ना पाँच पाँच का गैप आ रहा है तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो जीरो टू फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी और ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव होगा क्यों कोई दिक्कत तो नहीं है बिलो फाइव की है मार्क्स की बात हो रही है तो ज़ीरो से पाँच के बीच में रहेगा है ना और ट्वेंटी फाइव से बिलो तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव उस हिसाब से मैंने एक क्लास बना दी अब देखो यहाँ पर अब इन ग्रुप्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होंगे वो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं पाँच से कम वाले दस बच्चे हैं तो जीरो से पाँच के बीच में भी दस ही बच्चे रहेंगे ठीक है अब फाइव टू टेन ये वो बच्चे हैं जो दस से कम हैं तो दस से कम में वो बच्चे भी तो काउंट हुए होंगे जो पाँच से कम हैं तो यानी ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है तो ये हटा दो पच्चीस में से ये दस हटा दो तो पंद्रह ही ऐसे बच्चे होंगे जो फाइव टू टेन वाली क्लास में है। सही है इसी तरह अगर बिलो फिफ्टीन देखना है तो बिलो फिफ्टीन में ये भी तो वो पच्चीस आ गए होंगे तो ये हटा दो थर्टी सेवन में से ट्वेंटी फाइव हटाओगे तो कितना हो गया ट्वेल्व ठीक है इसी तरह इसमें से ये हटा दो तो ये ट्वेंटी इसी तरह ये हटा दो तो नाइन कोई दिक्कत है अब देखो मॉडल क्लास की बात करें तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है इसकी ट्वेंटी है ना तो ये मॉडल क्लास है तो इसका लोअर लिमिट क्या है लोअर लिमिट क्या है इसका लोअर लिमिट हो गया फिफ्टीन अब देखो अब अगर मीडियन क्लास की बात करें तो मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एन बाई टू से जस्ट बढ़ाओ है ना एन बाई टू से जस्ट बढ़ाओ तो एन बाई टू यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि सिक्सटी सिक्स है ना सिक्सटी सिक्स बाई टू से जस्ट बढ़ा थर्टी थ्री तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इन सबको ऐड करके निकाल सकते हो जो कि ऑलरेडी हमें दी हुई है है ना तो 33 से जस्ट बड़ा कौन है 37 है वन टू थ्री थर्ड वाले में वन टू थ्री थर्ड तो ये वाली क्लास जो है ये अपनी क्या है मीडियन क्लास है ठीक है तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यहाँ पर कितना मिल गया टेन तो इन दोनों का सम कितना हो गया ट्वेंटी सही है तो ये अपने को मिल जाएगा ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी सही है ठीक है आगे बढ़े देखो जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है द प्री मॉडल क्लास एंड द पोस्ट मॉडल क्लास रेक्टेंगल्स हैव द सेम हाइट इफ द मॉडल क्लास इज फोर्टी टू सिक्सटी है ना मॉडल क्लास हमें दी हुई है ठीक है क्या है मॉडल क्लास फोर्टी टू सिक्सटी अब प्री मॉडल क्लास और पोस्ट मॉडल क्लास भी दी हुई है है ना तो आप एक बारी मोड का पहले फॉर्मुला देख लो है ना मोड निकालने को कह रहा है ना जैसा कि वो क्वेश्चन में ठीक है तो मोड़ का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला पता होना चाहिए उसमें एल क्या होता है एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि है फोर्टी ठीक है एफ वन क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि हमें पता नहीं है तो उसको मैंने एफ वन ही कह दिया एफ जीरो होता है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे पिछली क्लास यानी प्री मॉडल क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी और हमें क्वेश्चन में कहा है और यहाँ पर जो एफ टू टर्म यूज हुआ है वो होता है पोस्ट मॉडल क्लास मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ टू है ठीक है वो अब ये दोनों इक्वल है ऐसा हमें क्वेश्चन में दे दिया गया तो F0 तो है. है. है तो एफ जीरो और एफ टू तो इक्वल है लट से ये एक्स है ठीक है तो एफ जीरो की वैल्यू एक्स है और ये एक्स ये भी एक्स और एच होता है क्लास साइज फोर्टी सिक्सटी इसका साइज क्या है ट्वेंटी का तो ये वैल्यूज पुट कर लो सॉल्व कर लो देखो ये एफ वन माइनस एक्स है और ये टू एफ वन माइनस एक्स है है ना क्योंकि ये टू एक्स है टू कॉमन लोगे तो एफ वन माइनस एक्स ही आ जाएगा इन टू ट्वेंटी तो ये इससे कट रहा है टेन तो फोर्टी प्लस टेन इज फिफ्टी है ना तो मोड कितना हो गया फिफ्टी कोई दिक्कत है क्या ठीक है तो ये हमें मिल जाएगा ऑप्शन डी में सही है आगे बढ़े अब देखो कह रहा है द मीन ऑफ एन नंबर्स ये नंबर है हमारे पास इज एम इफ एक्स वन इज रिप्लेस बायस वन की जगह ए अगर रख दे तो नया मीन क्या होगा ठीक है मीन क्या होता है मीन होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन है ना अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि एन है मीन यहां पर पता ही है एम तो इन सब का सम क्या हो गया एम इन टू एन ठीक है ये अपने पास है अब हमसे क्या मांगा गया है नया मीन अगर एक्स वन की जगह ए रख दे ठीक एक्स वन की जगह ए रख दे तो अब देखो मीन वही होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अब इसमें मैंने क्या किया है नया मीन जो होगा वो होगा जो अब नए ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम तो उसमें एक्स वन हटा दोगे आप इसमें से आपको क्या करना है एक्स वन माइनस कर देना है ए ऐड कर देना है सिंपल हाँ है ना क्योंकि आपको सबका सम चाहिए सबका सम कैसे मिलेगा आप इसमें x1 की जगह a लिख दो तो मिल जाएगा सबका सम या इसमें से x1 हटा दो तो ये सब ट्रैक्ट होके हट गया और a एड कर दो तो a आ गया बात वही पड़ेगी ना अपॉन अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है क्योंकि ये आपने हटाया है और इसकी जगह ये रखा है तो पहले जितने टर्म्स थे उतने ही टर्म है सही है अब देखो इन सब की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का सम तो मुझे पता है ना क्या है एम एन है, है या नहीं एम एन तो ये हो जाएगा एम एन माइनस एक्स वन प्लस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है ना तो ये हमारा नया मीन होना चाहिए देख लो कौन से ऑप्शन में एम एन माइनस एक्स वन एम एन माइनस एक्स वन प्लस ए डिवाइडेड बाय एन है ना ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है नेक्स्ट पे चले देखो जरा एट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन डेटा ये हमारे पास डेटा है है ना हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो देखो मीन मीडियन और मोड की बात हुई है तो मीन निकाल लेते हैं पहले मीन क्या होगा सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टर्म्स वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो ये कितना आ जाएगा देखो फिफ्टी प्लस थर्टी एट्टी प्लस सिक्सटी वन फोर्टी प्लस ट्वेंटी वन सिक्सटी प्लस एट्टी वन सिक्सटी प्लस एट्टी कितना हो गया टू फोर्टी हो गया ना ठीक है अब बाकी जो बचे फाइव और एट थर्टीन और नाइन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू और फोर ट्वेंटी सिक्स नाइन थर्टी फाइव तो ये टू सेवेंटी फाइव हो जाएगा डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइड कर दो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव बचा टू फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव मीन तो आ गया ये अब मोड की बात करें तो मोड के लिए आपको डेटा को पहले किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो मैं यहां पर अरेंज करके लिख देता हूँ सबसे छोटा सबसे पहले है ना सेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं फिर आएगा थर्टी एट फिर आएगा फिफ्टी फाइव फिर आएगा सिक्सटी नाइन और फिर आएगा एट्टी नाइन ठीक है अब क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स पाँच है जो कि ऑड है तो मीडियन क्या होगा थर्ड टर्म दैट इज एन प्लस वन बाई टू एट फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू थर्ड टर्म है ना मिडल टर्म मीडियन होता है ठीक है तो फिफ्टी फाइव जो है वो मीडियन होगा यहाँ मोड लिख दिया है मैंने ठीक है इसको सही कर देता हूँ मैं है ना मीडियन तो मीडियन कितना हो गया 55 अब मोड क्या होता है मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो मतलब जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया हो तो इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो सबसे ज्यादा बार आया है ना ठीक है तो एक तरीके से सभी मोड कहला सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है तो इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो मोड कहलाएगा तो मोड के बारे में अभी हम मतलब कुछ नहीं कहेंगे तो अब देखो आप मीन और मीडियन दोनों सेम आए ना फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव तो मीन और मीडियन वाला ऑप्शन ढूंढ लो मीन और मीडियन है ना तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्लियर है अब देखो नेक्स्ट नाइन्थ इसमें कह रहा है द मीन ऑफ एन नंबर इज एम एन नंबर है उनका मीन एम है ठीक वो नंबर के बारे में भी हमें नहीं पता कह रहा है इफ वन इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड टू इज एडेड टू द सेकंड एंड सो ऑन है ना और एन जो है वो एन एट टर्म में एड कर दिया है तो नया मीन क्या होगा सही है तो देखो मान लेते हैं कि अपने पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन ये हमारे कुछ टर्म्स थे इन सभी का मीन जो है वो कितना था एक्स बार था ठीक है एक्स बार नहीं था सॉरी कितना है एम है एम दिया हुआ था ठीक अब आगे क्या कह रहा है? अगर इन सब में पहले टर्म में वन ऐड कर दें दूसरे टर्म में टू ऐड कर दें तीसरे टर्म में थ्री ऐड कर दें और लास्ट एने एने टर्म में एन कर दें तो नया मीन क्या होगा अब मीन का फॉर्मूला क्या था समी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां से मीन क्या हो जाएगा मीन होगा एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन डिवाइडेड बाय एन एन इंटू एम इन सब का सम हो जाएगा यही मीन है एक तरीके से अब इन सब का मीन चाहिए अगर हमें न्यू मीन कह लो जिसको तो वो क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन और साथ में ये सब चीज़ें भी ऐड हो रही होंगी वन टू अप टू एन ठीक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी एन है क्योंकि ये पहला ये दूसरा है ना कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू एक्स एन इसका सम कितना है एम इंटू एन है, है ना? कितना है एम इन टू एन प्लस वन प्लस टू प्लस अप टू एन ए पी का फॉर्मूला यूज करते हुए इन सब का सम निकाल सकते हैं हम है ना आप हमेशा ध्यान रखना क्या चीज है ये नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन है ना टू एन इसका सम हमेशा आप सोल्व करोगे तो वो आएगा एन इन टू एन प्लस वन बाई टू ठीक है क्लियर है ये आएगा हमेशा अब इसको सॉल्व कर लो नया मीन आ जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है तो अब देखो एन ऊपर कॉमन है एन कॉमन लोगे तो इस एन से कट जाएगा तो बचेगा एम प्लस एन प्लस वन बाई टू कोई दिक्कत तो नहीं है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये n कॉमन आएगा तो n से n कट जाएगा तो बचेगा m प्लस एन प्लस वन बाय टू एम प्लस एन प्लस वन बाय टू कोई दिक्कत तो नहीं है ये अपना नया मीन हो जाएगा सही है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट में कह रहा है इफ द नंबर थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन एटीन एंड एन, एन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है एंड देयर आर मीन एंड मीडियन आर इक्वल है ना इनके मीन और मीडियन इक्वल है तो एन की वैल्यू बतानी ठीक है अब देखो मीन निकाल लेते हैं पहले मीन क्या होगा सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज फाइव टू टू फोर फाइव है ना तो ये हो गया ट्वेंटी एट फोर्टी फाइव सिक्सटी थ्री है ना प्लस एन डिवाइडेड बाय फाइव ये मीन है अब मीडियन की बात करते हैं मीडियन होता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि पांच हैं जो कि ऑड है तो मीडियन होगा फाइव प्लस वो वाला टर्म फाइव प्लस प्लस टर्म है ना सेवनटीन मिडल टर्म जो है वो सेवनटीन है तो ये मीडियन है तो कह रहा था कि मीन और मीडियन इक्वल है तो मीन की जगह यहां पर रख दो सेवनटीन इंटू फाइव एटी फाइव होता है सिक्सटी थ्री प्लस में तो एन आ गया ट्वेंटी टू तो एन ही तो फाइंड करना था ट्वेंटी टू ठीक है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है क्लियर नेक्स्ट पे चले देखो जरा नेक्स्ट में कह रहा है मार्क्स स्कोर्ड बाय अजय इन सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट इज एट्टी फोर है ना कुछ टेस्ट दिए हैं अजय ने कितने ये नहीं पता उसमें उसका जो एवरेज स्कोर है वो एट्टी फोर है आगे कह रहा है ही स्कोरड हंड्रेड मार्क्स इन हीज लास्ट टेस्ट है ना उसने अपने लास्ट uh, टेस्ट में हंड्रेड मार्क्स स्कोर किए तो हीज एवरेज स्कोर ऑफ ऑल दीज टेस्ट इज एट्टी सिक्स है ना जितने भी अब टेस्ट हो गए टोटल उन सबका एवरेज स्कोर है एट्टी सिक्स तो अब बताना है देन द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ही अपियड है ना उसने टोटल कितने टेस्ट दिए सही है अब देखो मान लेते हैं कि जिस टेस्ट में उसका स्कोर हंड्रेड आया है उससे पहले तक उसने एंड टेस्ट दिए थे है ना एन टेस्ट दिए थे तो अब मीन क्या होता है मीन होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना अब वो हंड्रेड मार्क्स आने से पहले तक उसका एवरेज स्कोर जो था वो एट्टी फोर था तो वहां तक उसका जो टोटल सम बना होगा वो एट्टी फोर इंटू एन बना होगा एट्टी फोर एन जो है वो उसके एन टेस्ट का टोटल स्कोर है अब इससे अगला टेस्ट जो है उसमें उसके आ गए हंड्रेड मार्क्स है ना उसके कितने मार्क्स आ गए 100 मार्क्स तो अब ये इसका टोटल स्कोर ये हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है सही है अब देखो ये उसका टोटल स्कोर है सम तो अब इसका मीन क्या होगा इसका मीन यानी इसका एवरेज क्या होगा और सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए एन टेस्ट पहले था एक और हो गया तो एन प्लस वन टेस्ट हो गए और वो तो कह रहा है कि हंड्रेड आने के बाद जो उसका टोटल एवरेज स्कोर है वो एट्टी सिक्स है सही है तो ये एवरेज स्कोर यहां से आया और हमसे बोला गया था एवरेज स्कोर एट्टी सिक्स होगा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एट्टी फोर एन प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एट्टी सिक्स एन प्लस एट्टी सिक्स ठीक है इस एट्टी सिक्स को इधर भेजो फोर्टीन 84 को उधर भेजो तो 86 सिक्स एन माइनस एट्टी फोर एन इज टू एन ये कट गया तो n आया 7 यानी उसने 7 टेस्ट दे रखे थे पहले और एक 100 वाला जो टेस्ट है वो तो टोटल टेस्ट कितने हो गए उसके एट टेस्ट हो गए है ना तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा सही है आगे बढ़े देखो जरा नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर आप जानते हो वो जो सिर्फ अपने आप से और वन से डिवाइड हो है ना वो प्राइम है पहले ट्वेल्व प्राइम नंबर्स लिखते हैं तो शुरुआत कहाँ से होगी टू से टू सबसे पहला प्राइम टू थ्री फाइव सेवन सेवन के बाद इलेवन, थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री सही है ट्वेंटी थ्री के बाद क्या आएगा ट्वेंटी फोर फाइव सिक्स सेवन एट ट्वेंटी नाइन आ जाएगा थर्टी नहीं होगा थर्टी वन हो सकता है है ना? कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन है ना थर्टी वन के बाद थर्टी टू नहीं होगा थ्री नहीं होगा फोर नहीं होगा फाइव नहीं होगा सिक्स नहीं होगा थर्टी सेवन होगा तो ये मैंने पहले ट्वेल्व प्राइम नंबर्स लिख दिए है ना? अब मुझे क्या चाहिए एक तो वैसे भी ऑर्डर में ही है ऑर्डर में है। मुझे चाहिए इनका मीडियन तो अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 12 है जो कि इवन है 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 ना क्या इवन तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मीडियन निकलता है क्योंकि अब ऐसे केस में क्या होता है दो मिडल टर्म्स आते हैं ना तो अब दो मिडल टर्म्स हैं तो उन दोनों में से किसी को मीडियन नहीं कह पाएंगे ना तो वो क्या होगा वो जो दो मिडल टर्म्स मिलेंगे उन दोनों का एवरेज ही मीडियन होता है ठीक है तो वो क्या होगा अगर 12 यानी नंबर ऑफ टर्म इवन है तो एन एथ टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म इन दोनों का आप क्या कर दो टू से डिवाइड कर दो यानी इनका एवरेज निकाल दो सही है तो अब देखो 12 था तो सिक्स टर्म 12 बाई टू सिक्स और सेवन इन दोनों का एवरेज यही मीडियन होगा सिक्स टर्म वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन थर्टीन प्लस सेवनटीन बाई टू थर्टी बाई टू दैट इज फिफ्टीन है ना तो फिफ्टीन जो है वो मीडियम हो गया क्लियर है तो ट्वेल्थ का अपना हो गया सी नेक्स्ट पे चले नेक्स्ट है थर्टीन क्वेश्चन कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशन इज हंड्रेड एंड दैट ऑफ सिक्स ऑब्जर्वेशन इज एट्टी फॉर्मूला the हम पढ़ चुके हैं क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखो अगर मैं देखूं तो अपने पास जो पहले नाइन ऑब्जर्वेशन है उनका मीन कितना है हंड्रेड पर उनका सम हमें नहीं पता नंबर तो पता है तो उनका सम यहां से कितना आ गया नाइन इन हंड्रेड दैट इज नाइन हंड्रेड तो पहले नाइन ऑब्जर्वेशन का सम आ गया इसी फॉर्मूले से मैं बाद के जो छः ऑब्जर्वेशन है उनका भी सम निकाल सकता हूं कैसे नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मीन कर दो तो सम आ जाता है ठीक है तो सेम वही कर लेते हैं सिक्स इंटू एट्टी दैट इज़ फोर एट्टी नेक्स्ट सिक्स का आ गया तो टोटल सम कितना हो गया क्योंकि अब मुझे नया मीन निकालना है तो नाइन हंड्रेड प्लस फोर एट्टी दैट इज़ थर्टीन एट्टी है ना तो न्यू मीन क्या होगा यानी इन सब का सारे 15 टर्म्स का मीन 15 के 15 का सम वो हमारे पास आ चुका है अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स तो 15 है ही इसको डिवाइड कर दो 15 नाइन जा वन बचा थ्री और जीरो थर्टी फिफ्टीन टू जा थर्टी तो ये सारे के सारे 15 टर्म्स का मीन हो जाएगा क्लियर है नाइनटी टू दैट इज ऑप्शन डी नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट में कह रहा है

तो अब देखो मीडियन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा अरेंज सबसे पहले तो, तो इसे कर लो अब असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है फिफ्टी दिख रहा है फिफ्टी से छोटा कोई तो नहीं है नहीं तो एक तो फिफ्टी हो गया फिफ्टी वन था ठीक है फिफ्टी टू भी है फिफ्टी थ्री है फिफ्टी फोर भी है फिफ्टी फाइव है फिर फिफ्टी फाइव के बाद फिफ्टी सिक्स नहीं है फिफ्टी सेवन है फिफ्टी सेवन के बाद फिफ्टी एट है फिफ्टी एट के बाद फिफ्टी नाइन भी है है ना और सिक्सटी नहीं दिख रहा कहीं भी सिक्सटी वन है सिक्सटी टू है दो बार ठीक है और कुछ सिक्सटी एट है, है ना बस एक बार काउंट कर लेते हैं टोटल थर्टीन टर्म्स है ना थर्टीन टर्म्स ही थे ना हाँ थर्टीन डेज की बात हुई तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कोई एक रह गया है ठीक है वो देखना पड़ेगा क्या है ऐसे देख सकते हो देखो फिफ्टी उठाया फिफ्टी को काट दिया फिफ्टी वन उठाया फिफ्टी टू उठाया था फिर फिफ्टी थ्री उठाया फिर फिफ्टी फोर उठाया फिर फिफ्टी फाइव फिर 57 उठाया फिर 58 उठाया फिर 59 भी उठा रखा है फिर 61 उठा रखा है 61 के बाद 62 भी है और 62 एक और बार है ना ये आ गया फिर 68 है। गया। अब है ये तेरह टर्म्स हो गए अब नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि ऑड है ठीक है तो ऑड के लिए क्या बताया मीडियन होगा एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म ठीक है यानी थर्टीन प्लस वन फोर्टीन बाय टू सेवेंथ टर्म हो गया ठीक है काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये मीडियन हो जाएगा ठीक है फिफ्टी सेवन ऑप्शन डी में मिल रहा है सही है समझ में आ गया नेक्स्ट पे चले नेक्स्ट में कह रहे हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर द गिवन डेटा ठीक है अब ये हमारे पास डेटा है हमें बताना है इनमें से क्या सही है तो अब देखो मीन मीडियम मोड तीनों की बात हुई है तो हमें तीनों निकालने पड़ेंगे सबसे सही चीज़ यहाँ पर ये है कि डेटा जो है ऑलरेडी अरेंज है तो मीडियम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी चलो मीडियम निकाल लेते हैं सबसे पहले ही तो काउंट कर लो कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऑड है तो इलेवेन टर्म्स हैं इलेवन टर्म्स हैं तो एन प्लस वन बाई टू है ना ऑड होते हैं तो ये मीडियन होता है इलेवन प्लस वन ट्वेल्व बाई टू सिक्स टर्म जो है वो मीडियन होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव इज द मीडियन ठीक है इसी तरह मीन निकाल लेते हैं मीन होगा सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम कर लो वन से वन कट गया ज़ीरो कट गया है ना कुछ नहीं बचे यहाँ तक टू और थ्री फाइव 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 टेन फाइव फिफ्टीन सिक्स ट्वेंटी वन एट ट्वेंटी नाइन और टेन थर्टी नाइन और इलेवन फिफ्टी पक्का है ना फिफ्टी आ गया ठीक है तो अब अगर ये फिफ्टी आ गया तो फिफ्टी बाई कितने टर्म्स थे इलेवन टर्म्स थे ना. तो फिफ्टी बाई 11 इज अब देखो आप डिवाइड कर सकते हो आप इसको है ना जो भी आएगा फ्रैक्शन डेसिमल uh, में आ जाएगा छोड़ दो तो चाहे तो अब मोड की बात करते हैं क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि कौन किसके इक्वल है मीन फाइव है नहीं है है ना मीन और मोड इक्वल है नहीं है बात ही खत्म मीन और मीडियन इक्वल है नहीं है ना तो मोड़ की बात करते हैं मोड होता है वो टर्म जो सबसे ज्यादा बार आया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा बार आया जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है फाइव ही तो है फाइव दो बार आया इसके अलावा कोई भी टर्म दो बार है क्या नहीं ना तो मोड क्या हो गया फाइव तो यहां से मैं देख सकता हूं मीडियन और मोड इक्वल आ रहे हैं मीन इक्वल नहीं है तो मीडियन और मोड मीडियन और मोड ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा सही है तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये हमने कुछ स्टेज वन के क्वेश्चन किए आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू